तो बहुत प्यारी एक्टिविटी दे रखा है 3 4 ब्रैकेट में दे रखा है 1 और 6 6 दे रखा है 3 और 6 4 2 दे रखा है और एज वेल यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और 6 और ब्रैकेट में क्या आएगा वो आपको बताना है लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अंशुल आएंगे, देखते हैं अंशुल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्या आएगा बॉक्स में, ठीक है। तो ये आ गए, देखते हैं क्या लिख पाते हैं, गलत, ठीक है। और प्रॉपर तरीका ही बताओ किस तरीके से आएगा, ठीक है। उसमें मुस्कान आएंगे, देखते हैं मुस्कान कर पाती है नहीं कर पाती है, तो मुस्कान आ गई है, रॉन्ग। उसके बाद आएंगे दिया, जिसको प्रॉपर तरीका आएगा उसका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कैसे आया, ट्वेल्व, रॉन्ग। उसके बाद आएंगे दिव्यांशी, देखते हैं दिव्यांशी कर पाती है नहीं कर पाती है, तो दिव्यांशी आ चुकी हैं, दिव्यांशी ने लिखा है 3 3 रॉन्ग है। उसके बाद आएंगे अंशुल, देखते कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो पहले चेक कर लें आप कि कैसे आया है आंसर और बॉक्सों में लिखे हुए हैं किस तरीके से आए होंगे, तो आप अच्छे से लिखें। तो ये 5 आया है, क्यों आया 5 बता सकते हो आप, नहीं बता सकते, ओके। तो उसके बाद आएंगे रिया, तो फटाफट आ जाओ रिया, कैसे आया बताओ, 10 का आधा 5 हो गया 9, क्योंकि इसका आधा करोगे तो बना रहा है क्या, नहीं ना, तरीका गलत है। उसके बाद रीतिका आएंगे, रीतिका बताओ 5 तो आंसर आएगा लेकिन कैसे आएगा कौन बताएगा, ठीक है 5 आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूँ लेकिन कैसे आएगा आपको बताना है, रॉन्ग। कपिल आ जाओ फटाफट से, तो कपिल आ गए, ठीक है आप आ जाओ, देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। 5 ही आंसर आएगा लेकिन कैसे आएगा वो बताना है, ठीक है, रॉन्ग। तो अब तुषार आएंगे, देखते हैं तुषार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तुषार 5 ही आंसर आएगा लेकिन कैसे आएगा वो बताना है, रॉन्ग बेटे 5 ही आंसर आएगा। तो अब आएंगे शीनू, देखते हैं शीनू बता पाती है नहीं बता पाती है, तो शीनू बताओ कैसे आएगा ये 5 आंसर, इसमें 5 आंसर कैसे आएगा बताओ, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो उनके लिए 5, इस तरह से आएगा आपका मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड।